तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको मुंबई की फिल्म सिटी दिखाने लेकर आया हूँ। अगर आप मुंबई आते हैं तो ये जगह आपको जरूर देख के जानी चाहिए। यहाँ पे कई पुरानी फिल्म शूट हुई हैं और आने वाले टाइम में भी यहाँ पे कई फिल्म शूट होंगी। तो इस फिल्म सिटी के अंदर आप कैसे जा सकते हैं, टिकट प्राइस क्या है, यहाँ की लोकेशन क्या है, टाइमिंग्स क्या है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, इस पूरे फिल्म सिटी के टूर के साथ मैं आपको साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तो गाइस हम आ गए हैं मुंबई फिल्म सिटी बॉलीवुड पार्क, और इसे दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी भी कहते हैं। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये होगी फिल्म सिटी रोड। ये आप देख सकते हैं फिल्म सिटी रोड है, और इस वक्त हम गोरेगांव मुंबई में हैं। ये नगरी निवारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास में है, और इधर से वैसे एंट्री होगी। अंदर जाने से पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी यहाँ की। तो टिकट प्राइस से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ तक आपको आना कैसे है। यहाँ आने का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा गोरेगांव का, वहाँ से आप 343 नंबर की बस लेके यहाँ तक आ सकते हैं और आपको यहीं छोड़ेगी। इसके अलावा सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन की बात की जाए तो आपको पड़ेगा आरे का, वहाँ से आप ऑटो लेके यहाँ तक आ सकते हैं। ये मेन एंट्री है दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी के फिल्म सिटी के। तो अंदर जाने से पहले यहाँ सामने से आपको टिकट काउंटर से टिकट लेनी पड़ेगी। तो टिकट प्राइस वगैरह क्या है उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ की टाइमिंग्स क्या हैं। तो यहाँ की टाइमिंग्स होंगी सुबह 10 बजे से ले कर 5 बजे तक, और यहाँ की टिकट्स आप ऑनलाइन बुक माई शो ऐप से भी ले सकते हैं, और आप कुछ सिलेक्टेड स्लॉट्स में ही देख पाएंगे, टाइम स्लॉट्स में ही देख पाएंगे फिल्म सिटी को। तो इस टाइप की बसेज होती है जिसके अंदर आप जाके फिल्म सिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अंदर एक गाइड भी होगा आपके, और वो आपको सब कुछ समझा देगा कि ये इस फिल्म का सेट था और यहाँ पे इस तरीके से शूटिंग हुई थी, और रिसेंटली यहाँ शूटिंग चल रही है। अंदर बिग बॉस का सेट है, तारक मेहता उल्टा चश्मा का सेट है, और कई पुरानी फिल्म्स का भी सेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जिसके पास एक कार्ड होगा, मतलब अंदर जाने का एक कार्ड होता है, वही अंदर जा सकता है। नहीं तो जो अगर नॉर्मल पब्लिक को अंदर जाना है तो उनको यहाँ से टिकट लेनी ही पड़ेगी, और वो बस के अंदर ही जा सकते हैं। और ये जो बॉलीवुड पार्क है इसके अंदर ये जो बसें चलती हैं ये आपको 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा फिल्म सिटी दिखा देगी। अंदर जाके आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ पे कौन कौन सी फिल्म शूट हुई थी, कैसे शूट हुई थी, और क्या रियलिटी है यहाँ की। देखिए यहाँ सामने से आप टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए ऑनलाइन की तो आप बुक माई शो से भी टिकट ले सकते हैं। ये सारा इंक्वायरी के इनके नंबर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोम्बो टूर इंडियन टूरिस्ट के 999 पर पर्सन के चार्जेस हैं, फॉरेनर टूरिस्ट के 3000 रुपी पर पर्सन के चार्जेस हैं। इसमें आप 3 घंटे तक अंदर पूरा फिल्म सिटी का टूर कर सकते हैं। इसके अलावा इधर से आप कुछ खाना पीना तो खा भी सकते हैं। तो बुक माई शो से आप ऐसे टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। इधर लिखा है मुंबई फिल्म सिटी टूर विद बॉलीवुड पार्क, गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे और सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो भी इसके बारे में है। और इधर यहाँ लिखा है कि 1000 रुपीज़ की टिकट है, और इधर से फिर अपना टाइम स्लॉट जो भी है 11 बजे 12:30 बजे 1:30 2:30 PM ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने 1:30 का किया, और ये सारे प्राइस वगैरह लिखे आगे। इसके अलावा फिर आप जैसे पेमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं। देखिए इसके ऊपर ये सारी जानकारी वगैरह लिखी हुई है बॉलीवुड पार्क फिल्म सिटी के बारे में, मुंबई की फिल्म सिटी के बारे में, बॉलीवुड डांस शोज़, इसके अलावा हेरिटेज ऑफ साउथ इंडिया, राजपुताना आर्किटेक्चर, 7D विजुअल सिमुलेशन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, गोवा एंड यूरोपियन स्ट्रीट्स हैं, और आर्मी थीम्ड कैफ़े भी है अंदर। तो इस तरीके का ये पूरा का पूरा सेट है। और जोन 1 में एंट्रेंस, वॉल ऑफ फेम, रेड कारपेट, पुलिस स्टेशन सेट, राजस्थानी सेट है, फिर जोन 2 में ये सब है, जोन 3 में ये सब है, काफ़ी कुछ है अंदर। तो ये हम बैठ गए हैं, और हमें इस तरीके का ये टूरिस्ट कार्ड मिला है। इसके साथ ही आप ये सारा फिल्म सिटी का टूर कर सकते हैं, ज़रूरी है ये। और देखिए सारे बैठ रहे हैं, और शुरू ही होने वाला फिल्म सिटी का टूर। तो इस तरीके की बस पीछे तक देख सकते हैं, और एयर कंडीशन बस है ये। एक्सक्यूज मी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल सर जी, हमें शफीक रंगरेज आपके गाइड है। गाइड के साथ साथ हम फुल कॉमेडी आर्टिस्ट हैं। हम अपने गले से दुनिया की हर आवाज निकालते हैं, और सबसे बड़ी बात, इस समय अगर भारत की आबादी अगर 150 करोड़ है तो करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे जानते हैं। एक्सक्यूज मी, या तो मोदी जी को जानते हैं तो हमें जानते हैं, बस दो ही लोग हैं भारत में। दिखाऊं कैसे, आपके घर पे एक बच्चों का कार्टून आता है टीवी पर, उसमें जो आवाज होती है मेरी होती है। बच्चे तो बच्चे बड़े भी पसंद करते हैं, पहचाने कौन सा कार्टून नहीं है। भैया आज इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरा माथा खराब कर दिया, छोड़ूंगा, तोड़े अपने तरीके करूंगा, ढाके टिक्के
कौन सा प्रोग्राम है? यस, मतलब आप ही सौगढ़ में शामिल है। अच्छा, ये किसकी है? अरे हमें मालूम है बापूजी, बहुत अच्छी बात है। अबे हम क्या मंदिर के घंटा है, सारा कोई भी आता है बजा के चला जाता है। आओ सुनो, हमें मारो। मालिक सही पहचाना पांडिया को। एक बेचारे खुश रहेंगे, एंजॉय कीजिएगा, एंटरटेनमेंट हम करेंगे, ठीक है? तो आप अपने घर के सारे टेंशन बाहर छोड़ दें। तो सर जिस वक्त आपने टिकट निकाली उस वक्त आपको ये बताया गया होगा जो टूर हमारी फिल्म सिटी जानकारी की टूर है, डेढ़ घंटे लोकेशन और जंगल दिखाएंगे, डेढ़ से दो घंटा आपका लगेगा बॉलीवुड पार्क में, ठीक है? यहाँ पे जबरदस्त इंतजाम किया, सामने फोटो दिख रही बॉलीवुड पार्क जी। तो ये टूर शुरू करते हम लोग, है ना? चलिए। अच्छा सर जी, आजकल के बच्चों में हम लोग सामान कितना फर्क है ना, आजकल के बच्चे 20,000 के मोबाइल से खेलते हैं। एक हम लोग का बचपन था, आए 10 रुपए की मोबाइल होती थी, कोई भी बटन दबाओ एक ही गाना बजता था, चल छैया 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 छैया, बड़े खुश हो जाते थे। तो ये हो गए फिल्म सिटी में एंट्री हमारी, सभी लोग खुश रहना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, ऐसे लगना जी जैसे 1,000 रुपए लगे टिकट में, है ना जी। शूटिंग देखने की इच्छा है ना? है ना? आज सारी इच्छा मर जाएगी, शूटिंग सबसे बुरी चीज होती है, आज पता चलेगा। चलो भाई, इस मैदान पर फिल्में बनती है सर, ऐसे जगह को किराए पे लेते हैं। ये रही डायलॉग पहचाने किसकी आवाज है, कौन सी पिक्चर है ये रही आवाज। अच्छा है सारा मजनू चलता है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है सौरत है, वेलकम मैदान कहते हैं जी, वेलकम यही बनी थी नाना पाटकर। अच्छा, इस बस में जितने बैठे मैं समझता हूँ फिल्मों को काफी मोहब्बत करते हैं, सही बात है? आइए सैंपल दिखाते हैं। लेडीज, कौन ऐसे डायरेक्टर हमारे बॉलीवुड में जिनका सेट बड़ा खूबसूरत होता है? इसे कहते हैं संस्कार परंपरा, मेरा दिल्ली भरा संजीव लाल भंसाली। तो आप सब लोग बाहर से है ना? अंदर से, से। जी। अरे यूपी कहाँ से हुआ गुरु? लखनऊ। नवाबों के शहर से, क्या बात है। और वहाँ के जितने आदमी होते हैं सब जेठालाल पोपटलाल दिखते हैं, है ना? कुछ कुछ तो बाघा की तरह दिखते हैं। आपके राइट में इमली सिरे ले। हेलो, एकदम उनकी तरह। हाँ, आगे जाके एक जगह है, लास्ट में जाएंगे हम लोग, कपिल शर्मा के शो यही चलता है सर। कपिल के शो में जो पब्लिक तालियां बजाती है, जो लोग सवाल पूछते हैं उनकी सच्चाई से वाकिफ होंगे आप लोग, क्या उनकी खुद की लाइनें होती, लिख के रहते हैं? यस, सब स्क्रिप्टेड होता है सर, वहाँ उन्हें बैठने के पैसे मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, लड़कों को 200-250 रुपए, लड़कियों को 500-700 रुपए। हम भारत की नारी है, सबसे ज्यादा पेमेंट हमारी है, बता सकते हैं? साउथ का बिग बॉस यहाँ चलता है भाई। अच्छा, यहाँ पे साउथ के हैं सारे। मोहनलाल मलयालम आर्टिस्ट, साउथ का बिग बॉस चलता है यहाँ पर। हेलो, आपके राइट में मराठी सीरियल है और आपके लेफ्ट में तेरी मेरी डोरिया सरदार जी का सीरियल है। अच्छा पाजी, अभी एक फोटो दिखा रहे हैं, वो बताइए रियल में सरदार जी है नॉर्मल है? दिखाता हूँ, ये रियल नहीं है जी, ये असली सदाजी है। नहीं नहीं जी, नहीं, ये नॉर्मल आदमी, मगर इनका लुक सदाजी बनाया हुआ है। हम मिमिक्री आर्टिस्ट है सर। सर जी हमें देखे पहले, एक मिनट रुको। हम शफीक रंगरेज, कुदरत ने जो आवाजें मुझे दी है, हम बड़े नसीब वाले लोगों को हंसाते हैं। महल से जब महाराज निकलते किस पे बैठ कर आते हैं वो बताइए, यानी घोड़े पर। घोड़ा चल रहा है, चारों पैरों की आवाज लगाम किसने घोड़ा चलाता कैसे, ये भी घोड़े की आवाज सुनिएगा। याद होगा आपको बचपन में चुड़ैलों की फिल्म देखी आपने, चुड़ैले टीवी पर आती तो पहले कुत्ते रोने की आवाज आती है, फिर घुंघरू के चलने की आवाज, फिर दरवाजा खुलता है ऐसे। दरवाजा खुलता 20 साल बाद जंग लगा हुआ है ऐसे। थैंक यू। चलो भाई सर जी, यहाँ शिवाजी महाराज जी के जो उनकी शूटिंग, ये रहा पंडिया स्टोर का स्टार प्लस का सीरियल है। स्टार प्लस का सीरियल है, क्या नाम है? रुको भाई, पंडिया स्टोर। पंडिया स्टोर, इसकी शूटिंग होती है यहाँ पर पंडिया स्टोर की। चलिए दादा निकल दिया गया। और उसे देखिए हल्का सा, एक्सक्यूज मी, एकदम सोलोली सोलोली पढ़ा रहा दोस्त, वो क्या है? हनुमान टेंपल डाम सोसाइटी, तारक मेहता, वो ठीक सामने गेट है। चलते रहे दिख रहा है अब नहीं दिख रहा होगा। चलो भाई निकाल लो, ये पहला प्रोग्राम है बिग बॉस जहाँ पे लोग लड़ते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है। ये देखो यहाँ पे होता है बिग बॉस में, ये ऊपर फोटो लगी दिख रहा है,
ये रही ये रही देखो एंट्री यहाँ से बिग बॉस की। यहाँ पर सलमान खान और शुक्रवार या तो फ्राइडे को आते हैं। बड़ा अच्छा था ये रही वो जगह जहाँ पर ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण को जलाया था फिर भी दीपिका जिंदा है। रोको भाई ये पे शाहरुख खान ने ऐसे कहा था। देखिए शाहरुख खान की आवाज सुनिएगा। शाहरुख खान की ओरिजिनल आवाज है मेरे पास। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर सर ने तुमसे मुझे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए लग जाती है। चलिए सर अभी तक हमने फिल्म सिटी 40% ही देखी है, अभी 70% बाकी है। आप लोग छोटे से थे वो नहीं यहाँ पर एक मिनट रुको वो एक मिनट रुको सही बात नहीं भाई चलिए उधर से आते तब देखेंगे जाएंगे तब तब नहीं मैडम जी ये यही घूमेंगे वो हीरोइन बैठी थी वहाँ पर बस धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे वो सामने आर्टिस्ट बैठे हुए हैं एक मिनट आप इनको हाई करें तो ये बाय करेंगे आपको। हाँ वो देखिए बस में मैडम जी आप उन्हें हाई करें तो वो बाय करेंगे आपको। मेहरून वाले आदमी को पहचान रहे आप लोग? हम हाई करेंगे नहीं वो बाय कैसे करेंगे? नहीं करेंगे आप उनको हाई कर तो करें फिर बाय करेंगे वो देखना। थोड़ा और आगे बढ़ा दादा 100 ग्राम आप चलते रहो। हाँ नहीं नहीं ये वाली दिख जाए तो समझ में आ जाएगा कौन है ये। यस देखो आप तो चलो भाई निकाल लो इसको कहते हेलीपैड ये अभी भी नहीं बनी है। मैडम जी यहीं पे बड़े बड़े सेट लगते हैं यहीं पे हेलीकॉप्टर से सीन ली जाती है। तो ये भी हम बाहर निकले हैं बस से पहला स्टॉप है जहाँ पे वेलकम में वो झोपड़ी सी नहीं होती जहाँ पे वो एंड का सीन जो आता है वो वाला और नो एंट्री में जो प्रेम भाई लटकते हैं ना वहाँ पे वो वाला सीन है। ये देखिए नज़ारा कितना अच्छा है यहाँ पे और नीचे वो जगह है ये देखो क्या नज़ारा जहाँ पे हम लोग खड़े यहीं पर वेलकम में लकड़ी वाला घर बना था नो एंट्री में सलमान खान यही लटके थे कृष्ण ऋतिक रोशन का घर यही था। लेडीज बताइए सीरियल में यहाँ पे क्या होता है गिर के मर जाते हैं सुसाइड एकदम सही लेडीज है गाड़ी से धक्का एकदम सही बताया सुसाइड करने यही आते एकदम सही सर। हीरोइने यहाँ खड़ी होती है साथ में गंदी सी आंटी होती है सासू माँ बातचीत कर ही धक्का दे दिया कोई मरता ना सब केबल से बंधे होते वापस आ जाते हैं फिर वही लड़की 4-5 एपिसोड बाद जिंदा होती है और बताती गाँव वाले उठा के ले गए थे कोमा में चली गई थी है ना कोई गांव वाले होते ना सब गोरेगा वाले होते सब ठीक है। अच्छा एक फिल्म आती है आपके घर पे कौन है प्यार है ऋतिक रोशन सिर्फ से छूट जाते हैं थाईलैंड के टापू पे जाकर डांस करते हैं पूरा सामने थाईलैंड जिसे कहते हैं मुंबई का बिहार पवई लेकिन मुंबई के लोग यही पानी पीते हैं। अब सुनिए कुछ काम की बातें हो जाए सर आप लोग बॉम्बे घूमने के लिए आए हो अगर अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं तो एक एड्रेस दे रहा हूं मैं वहां जाइएगा घूमने के लिए। सबसे बड़ी बात वहां पे टिकट नहीं लगती है। अगर आप वहां गए और अपने दोस्तों से वीडियो कॉलिंग करके कहोगे आप कि बाबू इस वक्त मैं अमेरिका में हूँ लंदन में हूँ दुबई में हूँ सिंगापुर में पेरिस में हूँ 110% सामने वाला मान जाएगा कि आप विदेश में हैं। सर जी पूरे मुंबई की सबसे वीआईपी और सबसे खूबसूरत जगह वो रही हीरानंदानी पवई हीरानंदानी पवई दिख रहा है आपको कोई गया वहाँ पे कोई गया? तो इतना कमाल का जो स्पॉट है यहाँ पे आप फोटो खिंचवा सकते हैं आपको लगेगा नहीं कि ये मुंबई है ये है लेकिन मुंबई ही और पीछे शायद विहार या विरार लेक है विहार लेक है शायद काफी बड़ी लेक है ऐसा लगता है समुद्र है जैसे। सामने एक एक्टर और एक्ट्रेस दिखेंगे नागिन सीरियल देखिए नागिन उसके हीरो को जानते हैं आप लोग सिम्बा वो ये कहीं होगा। अच्छा लेडीज इस बस के बारे में जानते क्या कहते हैं इसको वैनिटी वैन इसके अंदर में कौन कौन आर्टिस्ट होते हैं इसके नाम लिखे होते हैं धनक का हीरो धनक इस सीरियल में थी। अच्छा सामने ब्रिज देखेंगे छोटा सा एक्सक्यूज मी मैडम जी उस ब्रिज पर शूटिंग चालू वहां पे ये ब्रिज देख रहे हैं आप लोग इसी ब्रिज पर लाशें मिलती है सीरियल पिक्चरों में जैसे सावधान इंडिया सीआईडी क्राइम डीजल सॉरी क्राइम पेट्रोल होता है हीना मेरे सिंगापुरी ऐसे करते पाकिस्तान पहुंच जाते बताओ यहाँ से तो इंसान घोड़े का उपहार ना करे। शूटिंग कहाँ चल रही फिल्म सिटी में मगर सामने गाड़ी पर कहाँ लिखा हुआ है उत्तराखंड फिल्मों से इंटरेस्टेड है। अब उत्तराखंड वाले परेशान कि कहाँ चल रही है अभी ये ना बागवान के बच्चे पकड़े अब नीचे उतरेंगे सर जिंदगी भर की मुस्कुराहट देने वाले आपके चेहरे पर बागवान का बंगला वाले थोड़ा आगे लो 100 ग्राम तो जब से आप पैदा हुआ आपके चेहरे पर वाली मुस्कुराहट नहीं आएगी जो आ जाने वाली है और जब तक आप जिंदा रहेंगे दोस्तों इसे देखने के इसके बारे में सोचेंगे और हंसना चालू। दोस्तों ये अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म बागवान का बंगला है। बागवान फिल्म एक हफ्ते में 7 दिनों तक 21 बार आती है। एक्सक्यूज मी अमिताभ बच्चन दरवाजा खुलवाते कौन खुलता दरवाजा
हेमा मालिनी आइए अंदर चलते कह सकते सर अगर आप मैयत में रहेंगे खाली इसके बारे में सोचना और हंसना है जिंदगी भर की मुस्कुराहट दे रहे आइए अंदर चलते हैं कह सकते बागबान में कहते हैं कुछ नहीं बेटा कुछ भी नहीं तो कुछ निकाल ही लेगा ऐसा नहीं लेकर पिक्चर की पुल खुल रहे बाहर में ट्रॉली कैमरा लगता है शूटिंग हो रही है एक्टर आते जाते अंदर की सीन कहाँ होती है स्टूडियो में यहीं पे कब्रिस्तान बनता क्रिश्चियन लोगों का उधर से हीरोइन आती स्कूटी से सर गोवा का स्कूल बताया था सिंगम पिक्चर देखिए जयकांत सिकरे भागते हुए लास्ट में यहीं आते हैं अच्छा। जो एक टीचर से मिलते बंदूक छिपाते हैं वो सीन यहीं पे हुई थी आपके घर पे ऊटी शिमला नैनीताल कश्मीर बताना होता है सीरियलों में जैसे ये रिश्ता कहलाता तारक मेहता अनुपमा तो उसमें इतनी दूर ना जाकर यहाँ पे शूटिंग करते हैं ये लोकेशन वो बंगला और इसके पीछे का हिस्सा और वो गार्डन ऊटी शिमला नैनीताल बताते हैं सर हेलो बाबू नीचे आ जाओ तो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं कोई मिल गया फिल्म देखिए यहाँ पे कौन बैठा था हाँ, नहीं मटका लेके बैठते ऋतिक रोशन फोड़ देते सुबह जुड़ जाता है जादू अंदर से आता है वो रेखा डाट के अंदर चल जाती है रूम दिखाओ या पता चल गया देख लो पैसे लगे फिर से ये पेड़ दिख रहा है आपको ये वही पेड़ है जिसमें सुहागन औरतें सीरियल और पिक्चर में अपने पति की लंबी उम्र के लिए धागले बैठती है शूटिंग खत्म धागा नोच ले कौन सा पति हट अब लाइए कैमरा और इसे देखने के लिए हमारे बीच दाहोद गुजरात यानी कि ये हमारे फैमिली आई है क्या बात है ना यस और ये मैं हूँ हेलो लीजिए सर तो भाई ये मंदिर आप सामने देख रहे हो काफी सीरियल्स में काफी मूवीज में आपने देखा होगा तो यही ये मंदिर होता है कभी ये भोले बाबा का बन जाता है कभी शेरा माता का बन जाता है अच्छा तो कौन से फिल्मों में आया था बहुत सारी करण अर्जुन में भाई देख सकते हैं सबसे अच्छा जितने भी सीरियल होते हैं सब में यही मंदिर होता है सीरियल में और मूवीज में काफी सारी मूवीज में काफी सारी हर मूवी में तो है असल में ये मंदिर नहीं हाँ असल में तो ये सेट है पूरा अच्छा सेटअप तो ऊपर से आप देख सकते हैं मंदिर सेटअप है सारा का सारा सेटअप है कोई मंदिर वगैरह नहीं है यहाँ पर और ये हमारी बस खड़ी हुई हर सीरियल हर मूवी के अंदर जो दिखाया जाता है वही मंदिर ये है फिलहाल अंदर भगवान जी नहीं है यहाँ पर जब शूट हो रहा होता है ना तब यहाँ पे पूरा सेट किया जाता है खाली है अंदर से देख सकते हो कई आप कुछ भी नहीं है सिर्फ एक सेटअप है और उसके अलावा कुछ नहीं है मंदिर नहीं है सिर्फ ये बनाया पूरा शूट के लिए तारक मेहता का पूरा सेटअप है यहाँ पर इसी रास्ते पर तारक मेहता के लोग रिक्शा पकड़ते आते जाते हैं मैडम जी जहाँ पे ये लोग खड़े हैं उसके ऊपर एक पेड़ गेट दिख रहा है ब्लू कलर का एम बना हुआ दिख रहा है आपको इसी पर खाली बोर्ड लगाएंगे लिखेंगे दिल्ली का एयरपोर्ट सिटी हॉस्पिटल कॉलेज बैंक बस अड्डा सर वो देखिए गोकुलधाम सोसाइटी दिख रहे गोकुलधाम सोसाइटी तारक मेहता में जो होता है इसके अंदर जाना है तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से जान पहचान चाहिए या तो मंत्रालय लेटर चाहिए तो ही परमिशन मिलती है ऐसे किसी को नहीं है सर जरूरी नहीं इसे गुजराती लोग देखे इसे पूरी दुनिया देखती है सर दिल्ली अहमदाबाद और दिल्ली और कह सकते हैं कि बिहार है ना लखनऊ हर तरफ के लोग पसंद करते हैं तारक मेहता शूटिंग होती है दिल्ली के यहाँ पर दिल्ली का सेट है ये बहुत बड़ा सा आंसर में और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम पूरा हर कोई जाना चाहता है उसमें अंदर में रेंज रोवर गाड़ी दिख रही व्हाइट कलर की अंदर वो है बच्चन साहब की गाड़ी केबीसी सर अब तक जो देखा फिल्म सिटी वालों का फिल्म सिटी था आपके मन में चल रहा होगा आए है हजार रुपए डूब गया पानी में कुछ दिखा नहीं है ना आपने वसूल करा दिया थैंक यू अब तक जो देखा फिल्म सिटी वालों की फिल्म सिटी थी अब देखेंगे बॉलीवुड पार्क किया रहा हम यहाँ पर छोड़ने वाले हैं 2 से 2.5 घंटे आप लोग कंटिन्यू अंदर रहने वाले मेरी गारंटी है तबियत खुश हो जाएगी आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी तो ये हो गया 100% कितना बाकी है 10% तो अंदर में कैंटीन भी है वॉशरूम भी है वही 10% एक्स्ट्रा था ठीक है तो हम नीचे उतरेंगे सारे सामान बैग वैग सब लेके नीचे उतरेंगे टूरिस्ट कार्ड मुझे देके जाएंगे तो अब हम आ गए हैं बॉलीवुड पार्क तो देखते हैं बॉलीवुड पार्क के अंदर में क्या कुछ देखने को मिलता है हमारी जो बस है और जो गाइडेड टूर था यहाँ तक एंड हो जाता और अंदर यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है ये कहते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ अंदर ही स्पेंड होगा हमारा इधर भी ऐसा लग रहा है जैसे सेट है चलिए अंदर चलते हैं
तो यहाँ पे आप कई टाइप के ऐसे बॉलीवुड कॉस्ट्यूम हैं जो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ लिखा है राइट गूगल रिव्यू एंड वेयर वन फ्री बॉलीवुड कॉस्ट्यूम। अलग अलग टाइप के कॉस्ट्यूम्स हैं यहाँ पे, और इधर फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। देखिए शर्ट है ऊपर कितना बढ़िया लग रहा है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी बढ़िया है और मेमोरेबल सा हो जाता है। ठीक है, और इतना अच्छा इंतजाम किया ना, उसके पीछे देखेंगे ना इस दीवार के पीछे गजब मुस्कुराएंगे आप लोग। आइए आइए चलते हैं भाई। बोल माल बाइक देखिए, इसमें आई थिंक 5 बंदा बैठ सकते हैं। देखिए ऐसे कई चीज़ें हैं जिनके साथ पकड़ के ऐसा लगे जैसे मूवी का हिस्सा है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी इधर ये गैस था बॉलीवुड सेलिब्रिटी यानी सेलिब्रिटीज़ की बचपन की फ़ोटोज़ वगैरह हैं यहाँ पे। बताओ यार कौन से लग रहे हैं तुम? ये सही वो लग रहा है, क्या नाम है उनका, संजय दत्त। ये संजय दत्त, और बताओ कौन है? ये अमिताभ बच्चन है। देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पे फिल्म्स वगैरह है, जेल है इस तरफ, बाकी बैठने के लिए जगह है। इधर 3 इडियट्स है, उधर लिप्स का सोफा था बना हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। फुली एसी है भाई ये। ये असली है नकली है पता नहीं, मेरे बैठने के लिए बनाया हुआ है सेट एक तरीके का। इधर भी एक बहुत बड़ा ड्रम सा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अजंता एलोरा की गुफा है। देखिए पूरा का पूरे इस तरीके से बनाए हुए अजंता एलोरा की गुफा, वो सब स्टूडियो में बने हुए हैं। ये देखो यहाँ पर रोड बनाया हुआ है इस तरीके से, ये तो पक्की रोड आ गई। ये देखो अलग अलग साइड यहाँ पर लगे हुए हैं। कैफेटेरिया है, बॉलीवुड कैफेटेरिया, कई चीज़ें खा पी सकते हैं यहाँ पर। इधर देखिए इस तरफ हमारे पाजी ये वर्ल्ड ऑफ जस्मी नाम से यूट्यूब चैनल, हाँ सुन लिया ना बराबर, हाँ इनका सब्सक्राइब करा, लाइक करा, हाँ ठोको ठोको जो कपिल शर्मा में बोलते हैं हमारे सिद्धू पाजी। हाँ, सिद्धू पाजी आपको दिख रही है, हाँ ठोको ताली, ओके ठोको ठोको ताली, सब्सक्राइब करे लाइक करा। इस तरफ आप आएंगे तो आपको दिखेगा बॉलीवुड कैफेटेरिया, इधर आप की चीजें खा सकते हैं, आइसक्रीम सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह वगैरह, और इनके प्राइस यहाँ लिखे हुए हैं। इधर ये बैठने के लिए एरिया, इस तरफ यहाँ बॉलीवुड थिएटर है जहाँ पे आप 70 सिनेमा शो देख सकते हैं। बाकी देख सकते हैं कई एक्टर की तरह फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। ये शाहरुख खान इधर इसके पीछे खड़े होकर अपना फेस दिखा के शाहरुख खान सा बन सकते हैं, और ऐसे कई हैं देख सकते हैं, पीके बाहुबली के साथ फोटो क्लिक करा सकते हैं अपने। वैक्स म्यूजियम भी है जिसमें काफ़ी एक्टर्स के हम देख सकते हैं वैक्स उनके, गया है देखते कैसा सो रहने वाला है 70। तो इस तरीके का बैठने का एरिया बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक फिल्म चलेगी, ये हमें चश्मे दे दिए गए हैं और शो शुरू होने वाला है यहाँ पे। चलो बैठते हैं, सेकंड में बैठना, चलो सेकंड बैठ, चलो चलो गिर जाऊंगा मैं भाई, ये क्या, तो ये कोई रोलर कोस्टर सा लग रहा है। वो अरे रोको भाई इसको, ये तो हिल रहा है। पीछे हो गया ये, नहीं 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 नहीं, ओ ओ ओ हवा आ रही है। ओए ओए भाई, उसमें पानी आने लग गया था सामने, पानी आ रहा है, बिल्कुल रियल बनाया है, मजा आ गया भाई। कभी हवा आ रही है कभी पानी, नींद सी आ रही थी सारी नींद उड़ गई। तो चलो वैक्स में हम देखते हैं। ओए इधर तो मेरे को सबसे पहले जादू दिख रहा है, जादू
देख सकते हैं इधर कई, इधर आप देख सकते हैं कई वैक्स मॉडल हैं जिनके साथ फोटो क्लिक करा सकते हैं आप। और सबसे पहले इधर है जादू जादू जादू, इधर देखिए इस तरफ यहाँ क्रिशा, और यहाँ पे शायद भला सब ठाकरे, फिर यहाँ शायद मोदी नरेंद्र मोदी, फिर यहाँ पे KBC अमिताभ बच्चन के साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लगे जैसे गेम खेल रहे हो। फिर इस तरफ यहाँ सचिन तेंदुलकर भी है, इस तरफ साइड पे खड़े होकर फोटो क्लिक करा सकते हैं। इस तरफ कौन है, ये भीमराव अम्बेडकर जी हैं। उसके बाद आगे शायद अन्ना हजारे के साथ बैठ के फोटो क्लिक करा सकते हैं अपनी। और इस तरीके का ये बनाया हुआ है, और इस तरीके का देखिए एरिया सी बैकग्राउंड से बनाया हुआ है जिनके साथ अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं आप। देखिए इधर भी बैठ सकते हैं, काफ़ी एरिया है इधर। UFO PK, देखिए PK लिखा हुआ है यहाँ पर, बीच में खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। इधर यहाँ लता मंगेशकर जी का जैसे स्टूडियो जो, और यहाँ पे कौन है, अच्छा रोबोट फिल्म इस तरीके का बनाया हुआ है। क्रोमा स्टूडियो भी अंदर जा सकते हैं। 15 मिनट बाद चालू होगा। अच्छा क्या होगा इसमें? क्रोमा से होगा पूरा, ग्रीन स्क्रीन से जो किस तरीके से मूवी बनाई जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए दोस्तों यहाँ से अंदर चलते हैं क्रोमा शो देखने के लिए, देखते कैसा रहने वाला है। पूरा ग्रीन स्क्रीन होती है उसी को बोलते हैं क्रोमा। ओके हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बॉलीवुड पार्क में। आप जिस फ्लोर पे हो, असल में एक टेक्निकल फ्लोर है, मतलब किसी भी फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क होता है, शूटिंग के बाद का जो वर्क होता है वो इसी तरह के स्टूडियोज में किया जाता है। ये भी कोई डमी नहीं है, यहाँ पे भी हम प्रोफेशनली वर्क करते हैं। राइट साइड में देखोगे तो एडिटिंग रूम है जहाँ पे फिल्मों के नहीं, टीवी सीरियल्स, कमर्शियल एड, प्रोमो वीडियो के एडिटिंग फाइनल कट किए जाते हैं। और आगे देखोगे तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो जिसका अपना ही अलग से 50 साल का इतिहास है, जहाँ पे इन सभी लेजेंड सिंगर्स ने, म्यूजिशियंस ने एक टाइम पे परफॉर्म किया है, रिकॉर्ड किया है। एक्चुअली पहले के जमाने में लाइव रिकॉर्डिंग की जाती थी, पूरा ऑर्केस्ट्रा प्ले होता था, तो ये पूरा स्टूडियो के म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। लेकिन अभी हम डिजिटल में कन्वर्ट कर चुके हैं, हमें टेक्निकल सपोर्ट मिल चुका है, इसलिए इसको कॉम्पैक्ट करके मोस्टली शूट्स के लिए ही यूज किया जाता है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे फिल्में किस तरीके से बनती है, क्या क्या बैकग्राउंड वर्क किया जाता है, एकदम डिटेल में फिजिक्स ऐसा कि आपको पकाने का कोई इरादा नहीं है, थोड़ा सा सिंपल शॉर्ट वे में बात करेंगे। और आज के बाद हम फिल्म में देखने का नजरिया भी थोड़ा बहुत तो 100% बदल जाएगा। सो शुरुआत करते हैं विजुअल से। जैसे कि एक वर्ड टेक्निक यहाँ पे ऑलमोस्ट हम सब ने कहीं ना कहीं सुन रखी है, VFX, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं कि ये फंडा क्या है, काम किस तरीके से करता है, तो इसको थोड़ा सा सिंपल वे में बताता हूँ। फायर इफेक्ट्स, ब्लास्ट सीन या फिर एक्शन लेवल की तबाही जो आप फिल्मों में देखते हो वो CGI ग्राफिक्स द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। दंगल फिल्म में आमिर खान हरियाणा नहीं गए थे, हरियाणा मुंबई में आया था। मेरा नाम प्रथमेश और मैं यहाँ पे एज ए फॉली आर्टिस्ट और एज एडिटर काम करता हूँ। अब जिस फ्लोर पे आप, एक टेक्निकल फ्लोर है, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा फिल्में किस तरह से बनाई जाती है, और अभी तक आपने देखा किस तरह से हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं या डबिंग कैसे होती है। वैसे ही फिल्म में और एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसके बिना फिल्म कंप्लीट हो नहीं सकती, जिसे हम फॉली साउंड कहते हैं। और ये जो वर्ड है शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, पर इसके जो इफेक्ट है हर फिल्म में, हर सीरियल में सुनते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। सो एग्जैक्टली फॉली साउंड होता क्या है, फिल्में जितने भी सारी हरकतें होती हैं, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो हमें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, गाड़ी रुक गई तो ब्रेक की आवाज़ आती है, यहाँ तक कोई फाइट सीन्स वगैरह हो तो हड्डियाँ टूटने में की आवाज़ आती है। तो ये जो सारी छोटी मोटी आवाज़ें हम अलग से रिकॉर्ड करके वो सीन में यूज़ करते हैं, जिन आवाज़ों को हम एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उन्हीं आवाज़ों को फेक बनाया जाता है स्टूडियो के अंदर। कुछ प्रॉप्स अवेलेबल, तो यहाँ पे मैं आपको फॉली साउंड दिखाऊंगा फेक आवाज़ें किस तरह से क्रिएट की जाती है। और ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए इस तरह के स्पेशल माइक यूज़ होते हैं जो इतने सेंसिटिव होते हैं कि स्विंग गिरने पर भी आवाज़ कैप्चर कर लेते हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं इससे आवाज़ नहीं है, आवाज़ हम इस माइक से देखें जिसे हम फॉली साउंड कहते हैं। तो किस तरह से फेक आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है फिल्मों में, तो यहाँ पे आपको बेसिक एडिट करके दिखाऊंगा, एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड चेंज करेंगे। और जब भी कोई फिल्म शूट होती है तो शुरू से एंड में कभी शूट नहीं होती, आगे पीछे शॉर्ट शूट होते रहते हैं, पर आर्टिस्ट को बताया जाता है सीन के पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या होने वाला है। वैसे वो इमोशन देखे एक्टिंग करके सीन को मैच करते हैं। एक छोटा सा सिचुएशन दूंगा, उसको आपको दिमाग में रख के एक्टिंग करनी है और सीन को हम मैच करेंगे और एडिट करके दिखाएंगे। ओके, जैसे बाहर आप घूम रहे थे और कुछ तोड़फोड़ हुई, तो वहाँ पे पुलिस की वैन आई थी, अब चार लोग को यहाँ पे पकड़ के ले गई है।
तो जो पकड़ के लेके है सर इस कैमरे के पीछे खड़े हैं, तब को मुझे देख के एक्टिंग करनी है, एन एक्शन। हमने कुछ नहीं किया, जो किया इन्होंने किया है। नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये किया इन्होंने किया, ये भाई के लेटर थे, ये यही कर रहे थे, वो सारा काम यही कर रहे थे, बहुत कर रहे थे, ये सारा काम इन्होंने किया, सारा चीजें इन्होंने की, सारी चीजें इन्होंने की है, वहाँ पे शुरुआत इन्होंने करी थी, सारी शुरुआत इन्होंने करी थी, पूरा मुकदमा इन्हें बनना चाहिए, सारा कैसे सारी गलती सारा कुछ तो यहाँ पे बॉलीवुड शो भी होगा, तो अब देखते हैं अंदर जाके कैसा बॉलीवुड शो होता है। तो इधर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्टेज है और यहाँ पे बैठने के लिए एरिया। गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। वाह क्या बात, बैठिए आराम से। ये भाई सारा लाइट मुझ पे मत जला, थोड़ा ऑडियंस पे जला, इतने प्यारे लोग बैठे हैं। वाह भाई, ये किसके घर की अमानत है? संभालिए। इतने एडवांस बच्चे हैं, जो नई सदी के बच्चे आए हैं, उसका कारण है इनके पास इतनी सारी चीजें, हमारे पास ये सब नहीं थी। हम जब छोटे थे तो हमें 100 तक की गिनती मार मार के सिखाई जाती थी, 100 तक गिनो, हम 89 पे लग जाते थे, फिर समझ में नहीं आता था आगे 80 बोलना या 90। और ये आजकल के बच्चे ये 100 तक की गिनती तो टीवी का चैनल बदल बदल के सीख लेते हैं। हम आ गए हैं बाहर बॉलीवुड पार्क फिल्म सिटी से, कैसा लगा तुम्हें? मेरे को तो हर तरीके से बढ़िया लगा ये। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी यहाँ पे? मेरे को सब कुछ अच्छा लगा, जो है सब कुछ एक मैनर में है कि पहले वो देखो, फिर वो देखो, फिर दे वो देखो, और रियलिटी का पता चल गया, रियलिटी का पता लग गया, मतलब पूरी तरीके से मुझे अच्छा लगा। एक तरीके में है सब कुछ, जो है बिल्कुल शांति से हर चीज़ इंजॉय कर सकते हैं हम यहाँ पे। मतलब 3-4 घंटा लग ही जाता है? 3-4 घंटा लगेगा ही, तो हुड़दंगबाजी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शांति से सब कुछ बढ़िया से इंजॉय हो जाएगा। अगर आप आ रहे हो तो सब कुछ जानने को मिलेगा बॉलीवुड के बारे में, एंजॉय भी हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम यहीं अंदर बॉलीवुड पार्क। हाँ ये शो होता है ना, इसमें काफ़ी मज़ा भी आया। फैमिली से अगर आप ग्रुप से आ रहे हो तो ज़्यादा मज़ा आएंगे, क्योंकि शोर शराबा करते हैं, हाई हुल्ला करते हैं ना, उन सब में काफ़ी मज़ा आता है। तो बहुत अच्छी जगह है, आपको जरूर देख के जानी चाहिए। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर आपने नहीं किया।